तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, है ना। तो सर एक आधा और कर लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन एटम के। कि लाइक आपके पास आ गया कि CH4, जनरली इसको अपन क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं CH4। तो CH4 मैंने कहा सेंट्रल एटम कौन सा लेंगे, सेंट्रल एटम लोगे जो कम नंबर में प्रेजेंट हो, लाइक कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, 2 एंड 4। सेकंड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और कॉन्फिगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन यानी कि हीलियम का कॉन्फिगरेशन अटेंड करेगा। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कि सर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड हाइड्रोजन, ये आपके पास थर्ड हाइड्रोजन और ये आपके पास फोर्थ हाइड्रोजन। एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पहले हाइड्रोजन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करेगा। अब हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 1 2 1 एंड 1 2 1 एंड 1 2 एंड 1 एंड 1 2। यानी कि जो हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन है वो कौन सा हो चुका है, कि सर जो हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन है वो हीलियम जैसा हो चुका है और हीलियम एक आपके पास क्या है, इनर्ट गैस। अब बात करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास थे। कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन लेंगे, उतने के उतने इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कि सर 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये आपके पास कार्बन की सॉरी मिथेन की स्ट्रक्चर आ जाएगी CH4। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड का। 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो इसमें भी आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड का। तो इसको अपन क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं CH4। तो ये CH4 के लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है अपने पास C2H4, यानी कि 2 कार्बन एटम्स हैं और 4 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम। ओके, तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, अपने पास 2 कार्बन एटम है, अपने को पता है कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि सर 6। कॉन्फिगरेशन क्या होता है, कि सर 2 एंड 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि सर 1। कॉन्फिगरेशन क्या रहता है आपके पास हाइड्रोजन का, कि सर 1 रहता है। तो देखते हैं अरेंज करना है, C2H4 कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन के, सर हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन के पास। मैंने कहा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहा सर कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। ओके, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका। अब रिमेनिंग कितने रह गए, सर रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अरेंज करेंगे अपन, क्योंकि कोई दूसरा एटम नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन यहां से बॉन्डेड नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड होता तो अपन क्या करते कि एक और इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रखते थे। एक हाइड्रोजन था, इससे अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक ही इसको देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन किसका रखेंगे, कार्बन का। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो 1 इलेक्ट्रॉन आप किसका रखोगे, हाइड्रोजन का। तो अब रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ आएंगे।
ये आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन पहले एनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, यहाँ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कि सर 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और यहाँ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के जैसे हो गया। अब बात करें कार्बन की, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे कि सर 1 था 2 था 3 था और 4 था, 4 इलेक्ट्रॉन से टोटल। तो कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से, सेकंड हाइड्रोजन से और थर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, दूसरे कार्बन एटम। तो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा नेबरिंग कार्बन से। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कि सर कहते क्या है इसको, इसको कहते हैं एथीन, और ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स और आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 2 हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। ओके, तो ये एथीन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कोई भी एलिमेंट हो, नेचर में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 or more than 2 फॉर्म में प्रेजेंट होंगे नेचर में। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं वो 2 or more than 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट 1, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट हो, 2 or more than 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उनको अपन कहते हैं एलोट्रोप ऑफ दैट एलिमेंट। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के वो क्या हो गए आपके पास, एलोट्रोप हो गए। एलोट्रोप होते क्या है, जितने भी आपके पास एलोट्रोप है किसी भी एलिमेंट के, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहती है, डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहती है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलोट्रोप की वो हमेशा सेम रहेगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एलोट्रोप की वो हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट। तो एलोट्रोप हो क्या गए, क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या होगी एलोट्रोप की, कि सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन 2 or more than 2 फॉर्म विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज एलोट्रोप, एंड द फिनोमिना इज नोन एज एलोट्रोपी। तो ये फिनोमिना है उसको अपन क्या कह देते हैं, एलोट्रोपी कह देते हैं। और एलोट्रोप्स क्या होंगे, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, उसको अपन क्या कहते हैं, एलोट्रोप। जनरली अगर अपन यहाँ इस चैप्टर में बात करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में, तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये सर कौन कौन से, एक आपके पास आता है क्रिस्टलाइन और एक आपके पास आते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, आपने देखे होंगे कभी कि आपने इतना देखा होगा कार्बन के 3 एलोट्रोप प्रेजेंट है। 3 एलोट्रोप मींस कि आपके पास डायमंड आ गया, ग्रेफाइट आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो ये 3 टाइप ऑफ एलोट्रोप प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। बट अगर जनरली बात करें तो एलोट्रोप जो है वो 2 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे और एमोर्फस होंगे। सर क्या होते हैं क्रिस्टलाइन, क्या होते हैं एमोर्फस, अभी देखेंगे आगे। कि 2 टाइप के एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन, सेकंड फॉर्म होती है आपके पास एमोर्फस। सर क्रिस्टलाइन कितने टाइप के होते हैं कार्बन के, तो क्रिस्टलाइन की मैं अगर बात करूं तो ये कार्बन में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके पास आता है डायमंड, एक अपने पास आता है ग्रेफाइट और एक अपने पास आता है
फुलरीन, ये तीन टाइप के आपके पास क्या है, कार्बन के क्रिस्टलाइन आइसोटोप है। कैसे एमोर्फस कौन से होते हैं, एमोर्फस की बात करें तो आपके पास आ गया कोक आ गया, आपके पास कार्बन ब्रेक आ गया, ये एमोर्फस एलोट्रोप होते हैं। कि सर क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन में और क्या डिफरेंस है एमोर्फस में? ये दो टाइप के सॉलिड होते हैं। आपको पता है सॉलिड स्टेट क्या होती है? कि सर सॉलिड स्टेट वो होती है जिसमें शेप एंड वॉल्यूम जो है किसी भी सब्सटेंस का अगर डिफाइनाइट हो तो उसको अपन सॉलिड स्टेट कहते हैं, अपन क्लास 9th में देखते हैं। और क्या रहता है सॉलिड स्टेट में, तो आप कहते हो कि सर सॉलिड स्टेट में क्या रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो बहुत कम होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसको अपन इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो सॉलिड जितने भी होते हैं उनको दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज एमोर्फस सॉलिड। तो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? वैसे इसकी डेफिनेशन 12th में आती है कि क्रिस्टलाइन क्या है, एमोर्फस क्या है, पूरा चक्कर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डेफिनेशन देके क्लियर कर देता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हो गए जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, उसको अपन क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर देखो दोबारा बोल दीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड जिसमें रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट। कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होगा कि सॉलिड किससे बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। तो जितने भी आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, उनका अगर एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, यानी कि उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, तो अपन उसको कौन से सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं कि वो सॉलिड जिसमें रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न प्रेजेंट नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड। तो कार्बन के अगर एलोट्रोप की बात करें तो कार्बन के एलोट्रोप टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड इज एमोर्फस। अपने जो सिलेबस में अपन देखते हैं वो आपके पास क्या आता है, एक तो डायमंड आता है, एक अपने पास ग्रेफाइट आता है और एक अपने पास फुलरीन आता है। जो कोक है, कार्बन ब्लैक है, यानी कि एमोर्फस एलोट्रोप है, वो अपन नहीं पढ़ते। अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलरीन के बारे में, कि क्या होता है डायमंड, कैसे कार्बन इसमें अटैच्ड होते हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे ग्रेफाइट में होती है और कैसे फुलरीन में होती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप डायमंड। तो ध्यान रखना एलोट्रोप क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है सेम रहती है एलोट्रोप की, और एलोट्रोप टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सेकंड इज एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, उनका एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न हो तो उसको अपन क्या कहेंगे क्रिस्टलाइन, अदरवाइज उसको आप क्या कह दोगे एमोर्फस। एमोर्फस एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं, कोक होता है, कार्बन होता है, ये एमोर्फस एलोट्रोप होता है। और जो आपके पास क्रिस्टलाइन होंगे वो कौन से होंगे, डायमंड होंगे, ग्रेफाइट होंगे और फ्लोरीन होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डायमंड के बारे में। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, सबसे हार्डेस्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है वो आपके पास क्या होगा, डायमंड। इसे डायमंड में होता क्या है, डायमंड में कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है डायमंड में, सॉरी डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल का मीनिंग कि आपके पास कार्बन, यहां पे भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और यहां पे भी कार्बन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। इसमें हर एक कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम कितने दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है, सर 1 2 3 4 1
टू थ्री फोर, हर एक कार्बन एटम जो है वो फोर दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फोर, वन टू थ्री एंड फोर, ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वन टू थ्री फोर, यानी कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो जो डायमंड है वो आपके पास क्या रहता है, इंसुलेटर, यानी कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। डायमंड जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सर क्यों नहीं करता है, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये सर डायमंड में कैसे नहीं है, कि डायमंड के वैलेंस शेल में आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या करा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फोर दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसके पास कोई भी क्या नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब ये जो ये कार्बन एटम है वो क्या करेगा, एक बॉन्ड तो बन गया, एक बॉन्ड और ये बना लेगा कार्बन, एक बॉन्ड और बना लेगा आपके पास कार्बन, और एक बॉन्ड और बना लेगा आपके पास कार्बन। ये जो कार्बन एटम है वो क्या करेगा, एक बॉन्ड का ऐसे फॉर्मेशन हो गया, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा और आपके पास एक बॉन्ड जो है वो यहां बन जाएगा कार्बन। ये जो कार्बन एटम है वो क्या करेगा, एक बॉन्ड का ऐसे फॉर्मेशन कर लेगा, एक बॉन्ड यहां बना देगा, एक बॉन्ड यहां बना देगा, एक बॉन्ड ये रहा कार्बन, है ना। ये जो कार्बन एटम है वो आगे फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये यहां से फॉर्मेशन कर लेगा एक बॉन्ड का, ये कार्बन, एक ये है और एक आपके पास ये हो जाएगा। तो ऐसे करते करते इसकी जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और किसी भी कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसके कारण से क्या होते हैं, इंसुलेटर। कार्बन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, कि एक कार्बन एटम जो है वो फोर दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फोर दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फोर दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसका मीनिंग क्या हो गया, कि ये क्या करेगा, हमेशा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसके कारण से आप इसको क्या कहते हो, इंसुलेटर कहते हो। ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन की, ये होती है यहां पे 1.54 एंगस्ट्रॉम। सर एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है, यानी कि 1.54 इंटू 10^-10 मीटर, ये आपके पास यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। यानी कि दो कार्बन एटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम, या जिसको अपन कहेंगे 1.54 इंटू 10^-10 मीटर। तो ये फर्स्ट एलोट्रोप था कार्बन का, फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप था कार्बन एटम का, वो कौन सा था, डायमंड। एक तो प्रॉपर्टीज की बात करें, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, करीबन 3900 के आसपास होता है, ठीक है ना। सेकंड, ये इंसुलेटर रहता है। कि सर क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसके कारण से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। थर्ड, ये किसी भी टाइप के सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होता है, कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लो ये उसमें इनसॉल्यूबल रहेगा। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डायमंड की क्या प्रॉपर्टी रहती है, कि खुद में कोई चमक नहीं होती है, खुद शाइन नहीं करता है कार्बन। कार्बन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, कि जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो वैसे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होगा, और उस रिफ्लेक्शन के कारण से अपने को क्या दिखाई देता है, कि शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। कार्बन की खुद की बात करें तो कार्बन में क्या प्रॉपर्टी होती है, कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो उससे क्या दिखाई देगा अपने को, ये शाइनिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो जो डायमंड है वो खुद पर्टिकुलर की बात करें अगर, तो वो शाइनिंग नहीं करता है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब कितना ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो कार्बन सॉरी डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास होता है 2.85, यानी कि हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा, उस रिफ्लेक्शन से अपने को शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। और इसी के कारण से इसका यूज जो है वो ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है। इसका यूज किसमें करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग में। तो प्रॉपर्टीज आपके पास क्या क्या आ गई, एक तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि जो एक कार्बन एटम है वो फोर दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड, ये इंसुलेटर होता है। सर इंसुलेटर क्यों होता है, बिकॉज इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसके कारण से ये इंसुलेटर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो क्या होता सर,
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते और वो क्या हो जाता, कंडक्टर हो जाता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ गई कि थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो कार्बन डायमंड है वो आपके पास किसी भी टाइप के सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता है, सब में इनसोल्यूबल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ गई कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है और इसके कारण से शाइनिंग करता हुआ अपने को दिखाई देता है, और इसका एक यूज इसी से आ जाता है कि इसका यूज ज्वेलरी मेकिंग में करते हैं। इसका यूज किस में करते हैं आप, ज्वेलरी मेकिंग में करते हैं। इसका यूज किस में करते हैं अपन, ग्लास कटिंग में भी करते हैं। जो ग्लास कटर होता है उनका जो हेड है ना, वो किसका बना हुआ होता है, डायमंड का। वो किस कौन से डायमंड का बना हुआ होता है, वो आर्टिफिशियल डायमंड का बना हुआ होता है। तो जिससे ग्लास कटर में भी इसका यूज करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग में भी इसका यूज करते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं, ये टेट्राहाइड्रल होते हैं। टेट्राहाइड्रल का मतलब आपके पास एक कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम से क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है, और इसके कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी कि हर एक कार्बन एटम का यहाँ पे ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो ये फर्स्ट एलोट्रोप था आपके पास कार्बन का, कौन सा था, डायमंड। तो ये अपने पास थी डायमंड की स्ट्रक्चर। दो एलोट्रोपिक फॉर्म और रह जाती है, वो कौन कौन सी है, एक तो आपके पास ग्रेफाइट है और एक आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, यानी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी रहती है एंड फ्लोरीन की स्ट्रक्चर कैसी रहती है, वो इंसुलेटर होते हैं या फिर अपने पास कंडक्टर होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।